मुरसा विराम मटके मठाधीश गुरु सिद्धा राजयोगी और गड़क के पीठासीन देवता भगवान वीर नारायण को मेरा श्रद्धापूर्वक नमन। मैं सिद्धगंगा मठ के माध्यम से हर वंचित पीड़ित और शोषित की सेवा के लिए जीवन भर समर्पित रहे परम श्रद्धे श्री 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 शिवकुमार स्वामी जी को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, हुबली धारवाड़ देश की आन बान शान तिरंगे की धरती है। इस धरती ने जीवन के सभी क्षेत्रों में वीर बेटे वीर बेटियों को जन्म दिया है। अंग्रेजों से लोहा लेने वाली कित्तूर रानी चेन्नम्मा, संगोली रायण्णा जैसे देशभक्त भक्त कवि संत कनकदास, छोटे व्यास कहे जाने वाले कवि कुमार व्यास, कन्नड़ा के लेखक डीआर बेंद्रे, विख्यात संगीतकार डॉक्टर गंगूबाई हंगल और पंडित भीमसेन जोशी, कुमार गंधर्व का नाम देश विदेश में प्रसिद्ध है। इन सभी महान विभूतियों को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, धारवाड़ की भूमि ने बीजेपी को भी ओजस्वी नेतृत्व दिया है। कर्नाटका केसरी जगन्नाथराव जोशी, स्वर्गीय भावराव देशपांडे, स्वर्गीय किशनराव गोखले, एमजी जरथारगर और स्वर्गीय श्री निवास सरलाया के संघर्ष ने भाजपा को आज इस स्थान पर पहुंचाने में बड़ा योगदान दिया है। आज इस मंच पर एक कमी स्पष्ट रूप से हम सभी को महसूस होती है। इसी धरती की संतान कर्नाटका के विकास के लिए हमेशा समर्पित रहे कुशल संगठनकर्ता अनंत कुमार जी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन गरीब के लिए जो समर्पण उन्होंने दिखाया है उसके लिए वो हमेशा हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। भाइयों और बहनों, ये जितने भी महान व्यक्तित्व हैं इन सभी का एक ही लक्ष्य रहा है, हुबली और कर्नाटका का विकास हो। भारत सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से समर्थ हो, इन्हीं भावनाओं को शक्ति देने का निरंतर प्रयास केंद्र की एनडीए सरकार कर रही है। विकास की पंचधारा यानी बच्चों को पढ़ाई, युवाओं को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसान को सिंचाई और जन जन की सुनवाई, इसी विजन पर सरकार आगे बढ़ रही है। इस सिलसिले को जारी रखते हुए थोड़ी देर पहले 5000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। ये सारे प्रोजेक्ट्स हायर एजुकेशन, यहां की कनेक्टिविटी, गरीबों को पक्के घर, स्वच्छ ईंधन के अभियान
देश की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े हमारे संकल्प को और मजबूत करने वाले हैं। चिक जाजूर मायाकोंडा रेलवे लाइन से बेलगावी, गोवा, पुणे और मुंबई तक यहां की कनेक्टिविटी सशक्त होगी। आईआईटी और ट्रिपल आईटी के नए कैंपस हुबली धारवाड़ को देश के सबसे बड़े एजुकेशन हब में से एक बनाने वाले हैं। मां सरस्वती की पूजा के दिन शिक्षा क्षेत्र को मजबूती देने वाले इन कार्यों के लिए मैं यहां के नौजवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो दो पेट्रोलियम रिजर्व का लोकार्पण बेंगलुरु और पादुर में किया गया है, इन मुश्किल परिस्थितियों में देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। मैंने थोड़ी देर पहले विशाखापट्टनम में भी ऐसी ही एक फैसिलिटी का लोकार्पण किया है। साथियों, हम वर्तमान के साथ साथ भविष्य की जरूरतों के हिसाब से काम कर रहे हैं। देश के शहरों के लिए भी हम नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। हुबली धारवाड़ तो स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर है। आज जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया है, उससे शहर के हजारों घरों के किचन तक पाइप से गैस जाएगी, जिसमें से 1500 कनेक्शन देने की शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ साथ 5 सीएनजी स्टेशन बन रहे हैं, जिससे ट्रैफिक से होने वाले प्रदूषण में भी कमी आएगी। साथियों, केंद्र सरकार ने शहर के गरीबों के लिए पक्के घरों का भी एक बड़ा अभियान चला रखा है। आज वसंत पंचमी के पावन पर्व पर जिन बहन भाइयों का गृह प्रवेश हुआ है, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर मिले हैं, ऐसे सभी मेरे परिवारों को मैं अनेक अनेक बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि आप सभी अपना घर मिलने के बाद नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन को, अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने में सफल होंगे। आज आप देश के गांवों और शहरों के उन 1.5 करोड़ लोगों में शामिल हो चुके हैं, जिनको अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिले। भाइयों और बहनों, शहर का गरीब हो या फिर मध्यम वर्गीय परिवार, बीते 4.5 वर्षों में हमने निरंतर सबका साथ सबका विकास के लिए काम किया है। केंद्र सरकार किस गति से काम रही है, इसका आकलन करने के लिए आप एक आंकड़े को जरा ध्यान से सुनिए। पिछली सरकार ने अपने 10 वर्षों में शहरी इलाकों के लिए कुल 13 लाख घर स्वीकृत किए थे, जिसमें से सिर्फ 8 लाख ही घर पूरे कर पाए थे, जबकि एनडीए की सरकार ने बीते 55 महीने में 73 लाख शहरी आवास स्वीकृत किए हैं, जिसमें से 15 लाख तैयार हो चुके हैं और 39 लाख घरों का काम अब पूर्णता की ओर है। इसे अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं
तो जिस रफ्तार से पहले की सरकार शहरों में घर बनवा रही थी, अगर वही रफ्तार रहती तो 40-50 साल और लग जाते उसे इतने ही घर बनाने में जितने हमारी सरकार बना रही है। यानी जो काम वह 40-50 साल में कर सकते हैं वो हमने 55 महीने में करके दिखाया है। साथियों, यही कर्नाटका में ही 250 से अधिक शहरों में 5 लाख से अधिक घर बनाने की स्वीकृति दे जा चुकी है। हुबली धारवाड़ में भी लगभग 11,000 गरीबों के पक्के घर स्वीकृत हो चुके हैं, जिसमें से लगभग 2,500 की चाबी आज सौंपी गई है। भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों के घर का सपना तो सच हो ही रहा है, मध्यम वर्ग के घर की चिंता भी पहली बार सरकार ने की है। सरकार मध्यम वर्ग के घरों के लिए नई कैटेगरी बनाकर होम लोन पर ब्याज में छूट भी दे रही है। 18 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले साथियों के लिए होम लोन में छूट दी जा रही है। अगर किसी ने 20 लाख रुपए तक का होम लोन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लिया है तो जब तक वो पूरा लोन चुकाएगा तब तक उसको 5 से 6 लाख रुपए की बचत होना तय है। साथियों, इस बजट में मध्यम वर्ग के घरों से जुड़ी बचत को हमने और विस्तार दिया है। कई बार शहरों में बच्चों की पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, स्वास्थ्य के कारणों से 2 घर खरीदे जाते हैं। ऐसे में सरकार ने अब यह तय किया है कि दूसरे घर के नॉमिनल किराए पर जो टैक्स लगता था वो टैक्स अब नहीं लगेगा। यानी अब बिना दूसरे घर की रेंटल इनकम पर टैक्स की चिंता किए बिना आप अपना दूसरा घर खरीद पाएंगे। इसी तरह जो लोग अपना घर बेच रहे हैं और घर बेचने के बाद अगर मानो उन्हें 2 करोड़ से कम रुपए मिले हैं, और ऐसे लोग अगर 2 अलग-अलग छोटे घरों में वही पैसा निवेश करते हैं तो भी उन्हें आयकर से छूट दी जाएगी। साथियों, मध्यम वर्ग के मेरे भाइयों और बहनों के लिए और आय का एक बहुत बड़ा जरिया रेंटल इनकम भी होता है। अब सरकार ने यह भी तय किया है कि किराए से जो आमदनी हो रही है उस पर टैक्स कटौती की सीमा को अभी से 1,80,000 रुपए से बढ़ाकर 2,40,000 रुपए कर दिया गया है। साथियों, सबसे बड़ी बात तो ये कि इतिहास में पहली बार 5 लाख रुपए की टैक्सेबल इनकम को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इससे हुबली धारवाड़ के कर्नाटका के लाखों युवा साथियों को भी लाभ होने वाला है, क्योंकि अधिकतर युवा इसी इनकम ग्रुप में आते हैं। भाइयों और बहनों, मध्यम वर्ग के साथ साथ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और किसानों के लिए भी बजट में बहुत बड़ी योजनाएं बनाई गई हैं। कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े, घरों में काम करने वाले, फल सब्जी बेचने वाले, रिक्शा चलाने वाले, ऐसे करोड़ों साथियों को 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपए की मासिक पेंशन तय की गई है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जुड़ने के लिए श्रमिक साथियों को औसतन 100 रुपये तक का मामूली अंशदान हर महीने देना पड़ेगा। जितना पैसा मेरे मजदूर भाई बहन अपने पेंशन खाते में जमा कराएंगे उतना ही पैसा केंद्र की सरकार भी उनके पेंशन खाते में जोड़ेगी। साथियों, आपका ये प्रधान सेवक, ये चौकीदार बिचौलियों को हर रास्ते से हटा रहा है। देश के गरीब को जो लाभ देना है वो सीधे उनके खाते में जा रहा है। यही कारण है कि ईमानदार को मोदी पर भरोसा है, वहीं जो भ्रष्ट है उसी को मोदी से कष्ट है। आप देख ही रहे हैं दिल्ली में कैसे कैसों का नंबर लग रहा है, जिनकी कमाई के बारे में बात करने से लोग डरते थे, आज कोर्ट में एजेंसियों के सवालों के सामने हाजिरी लगा रहे हैं। देश विदेश में बेनामी संपत्तियों का हिसाब दे रहे हैं। देश के गरीब का राशन हो, गरीब किसान की जमीन हो, या फिर देश की सुरक्षा से जुड़े सौदे हो, जिसने भी दलाली खाई है एक एक करके उसकी बारी आ रही है। साथियों, ये वो लोग हैं जिन्होंने किसानों को भी नहीं छोड़ा। कर्नाटका के लोग तो इसके भुक्तभोगी हैं। चुनाव से पहले कर्ज माफी के बड़े बड़े वायदे किए गए थे, उसका क्या हुआ, कितने लोगों का कर्ज माफ हुआ? साथियों, वादा किया था 43 लाख किसानों की कर्ज माफी का, और अभी तक माफी हुई सिर्फ 60,000 किसानों की। यही इनकी सच्चाई है, यही इनकी कर्ज माफी का सच है। भाइयों और बहनों, ये लोग दशकों से यही खेल खेलते आ रहे हैं। ये वोट के लिए कर्ज माफी की 10 वर्षीय योजना लेकर आते हैं, लोगों को झूठ बोलते हैं, और असल में कर्ज माफी होती है 100 में से मुश्किल से 25 या 30 किसानों की, उसमें भी अधिकतर तो कुछ 100 रुपये मिलते ही है और बाकी बिचौलियों की जेब में चले जाते हैं। साथियों, इस स्थिति को बदला जाना आवश्यक था, इसलिए आपका ये प्रधान सेवक देश के लगभग 12 करोड़ किसान परिवारों की सीधी मदद करने वाली योजना लेकर के आया है। इस योजना का लाभ हर 100 में से लगभग 90 किसानों को मिलना तय है। ऐसे किसान परिवार जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, उनको हर वर्ष 6,000 रुपये केंद्र सरकार सीधे बैंक खाते में देगी। ये पैसा 2,000 की 3 किस्तों में खाते में जाएगा। साथियों, ये जो पीएम किसान योजना है, इसकी तुलना अगर कांग्रेस की 10 वर्षीय कर्ज माफी स्कीम से करें तो आपको नीति और नियत में अंतर स्पष्ट नजर आएगा। पीएम किसान योजना कोई वन टाइम योजना नहीं है, बल्कि हर साल इसका लाभ मिलने वाला है। यानी कांग्रेस 10 वर्ष बाद 50-60 हजार करोड़ की कर्ज माफी लेकर के आती,
लेकिन पीएम किसान से अभी की स्थिति के हिसाब से ही 10 वर्ष में 7.5 लाख करोड़ रुपए किसानों तक पहुंचने वाले हैं, 7.5 लाख करोड़ रुपए। भाइयों और बहनों, इनकी नीयत ना तो किसान का हित करने की है और ना ही नौजवान का हित करने की है, ये तो सिर्फ अपने स्वार्थ की सोचते हैं। तभी यहां घमासान मचा हुआ है। ऐसा कोई दिन नहीं है जब यहां की सरकार का नाटक देश न देखता हो। सब अपनी अपनी कुर्सी बचाने में जुटे हुए हैं। सत्ता की मलाई के लिए विधायक होटलों में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं। कांग्रेस के भीतर अनेक नेता अपने प्रभुत्व की लड़ाई में जुटे हैं। साथियों, सबका पंचम बैग यहां के मुख्यमंत्री है। आए दिन मुख्यमंत्री को धमकियां मिलती रहती हैं। मुख्यमंत्री की पूरी ऊर्जा दिन रात कांग्रेस ने उनके बड़े बड़े नेताओं से कुर्सी बचाने में लगी रहती है। वो सार्वजनिक तौर पर अपनी मजबूरी का रोना रोते रहते हैं। ऐसी मजबूर सरकार, इतना मजबूर मुख्यमंत्री, जिसे हर कोई चुनौती दे रहा है, सरकार का इंचार्ज कौन है इसको लेकर भी भ्रम है। भाइयों और बहनों, कर्नाटका का ये मजबूर मॉडल, ये मॉडल वो देश पर भी थोपना चाहते हैं। एक ऐसा मजबूर मॉडल जहां सरकार का मुखिया कोने में रोता रहे, फैसले नामदार के महलों में होते रहे, मलाई पर हाथापाई होती रहे और दुनिया देश पर हंसती रहे, यही मॉडल ये देश पर थोपना चाहते हैं। साथियों, नया भारत मजबूरी का नहीं, मजबूती का मॉडल चाहता है। आपका एक एक वोट तय करेगा कि बेईमान रहेगा या फिर ईमान, विकासवाद चलेगा या वंशवाद, पॉजिटिविटी चलेगी या नेगेटिविटी, क्लैरिटी चाहिए या कंफ्यूजन, इन्हीं कुछ सवालों का जवाब भविष्य के भारत के मूल्यों को तय करने वाला है। धारवाड़ के पेड़े जितनी मिठास आपके जीवन में हमेशा रहे, ऐसी ही कामना के साथ एक बार फिर आप सभी को विकास के तमाम प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धारवाड़ ग्रामीण जिले जिला अध्यक्ष राधा श्री